हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज जो है हमारी क्लास से आपका जो रिसीव जो है आपका नया चैप्टर है, नया पार्ट है आपका 13। पार्ट 13 आता है कस्तूरी रंग रंगीली। रंग रंगीली ये आपका बेटा पार्ट का नाम है। और आज जो है हम इसी पार्ट को जो है आपको पढ़ाएंगे। और इसमें जो है आपका सबसे पहले आप जो है इस पार्ट का आप वर्ड मीनिंग जो शब्द ज्ञान है उसको 4-5 शब्द ज्ञान दिया है उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद जो है हम मिस्टर बच्चा को पोएम को जो है आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, रंग रंगीली। तो शब्द ज्ञान में शब्द ज्ञान में दिया है आपका कुछ मीनिंग दिए हुए हैं दिए हैं उसको आप लिख लीजिए। पहला शब्द क्या है? रंग रंगीली। रंग रंगीली यानी कलरफुल। रंग रंगीली का मतलब क्या है? कलरफुल, कई रंगों वाले। अब क्या है कई रंगों वाले? रंग रंगीली का अर्थ है बेटा कई रंगों वाले, कलर। रंग रंगीली कई रंगों वाले। आगे आपका पार्ट के पांचे दिया गया था आपके तेज स्पीड का होता है और पांचे में पंख ये कर दिया है और पर नाम लिख दिया है नहीं। नंदी में नंदी का हाथ लगा आपका इस्तेमाल नंदी में इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करते हुए छोटी इस्तेमाल करते हुए नंदी का छोटी। और लास्ट उसे दिया है फूल। हरियर मतलब हरियर यानी जल्दी। हरियर अपनी जल्दी। ठीक है बेटा, ये आपको जो है शब्द ज्ञान में दिए गए शब्द हैं इसका अर्थ आपको लिख लेंगे और इसको अच्छी तरह से बेटा राइट कर लेंगे। और चलिए आप चलते हैं पाठ की तरफ। पाठ दे रहे हैं रंग रंगीली जो सामना लिखेंगे हमने पहले सबसे पहले बेटा आपको प्रॉब्लम दिया है तितलियाँ। यहाँ पर बेटा इस पाठ में जो है तितली के बारे में इस पाठ में तितली के बारे में बटरफ्लाई जो होता है उसके बारे में जो है बताया गया है। उसके जो है राइटर है वो आपके हैं श्री प्रसाद या श्री प्रसाद द्वारा लिखित पोयम है रंग रंगीली पाठ के नाम से है। श्री प्रसाद इसके लेखक है राइटर है। और इसमें प्रसारण में कहा गया है कि तितलियाँ बहुत ही सुंदर लगती है। तितलियाँ बहुत ही सुंदर लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं। फूलों की शोभा भी तितलियों से ही होती है। जो फूलों की शोभा है सुंदरता है वह भी किससे? तितलियों से ही होती है। ठीक है, क्योंकि तितलियाँ जो है उस पर जाती है बैठती है फूलों पर उसका रस लेती है। ठीक है, तो इस कक्षा में आप जो है तितली के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से विचार करते हैं। रंग रंगीली नीली पीली रेशम जैसी पाखे फूल फूल को देखा करती इनकी नन्ही इसकी नन्ही आंखें। ये पहला समझा है करा रंग रंगीली यानी कि कई रंगों वाली। रंग रंगीली मतलब कई रंगों वाली जैसे आपका नीली पीली लाल अलग अलग तरह के कई रंगों वाली जो है
जैसे नीली, पीली, लाल, भूरी, ठीक है, इस तरह के रंगों वाली तितली और रेशम जैसी पाखे, यानी कि और उनकी पंखे कैसी होती हैं, तितलियों के पंखे आप देखे तो बेटा, अपने हाथ में कुछ पकड़े भी होंगे, ठीक है, तो उनके पंखे जो कैसी होती हैं, एकदम रेशम की तरह जो है मुलायम होती है, ठीक है, रेशम जैसी पाखे, यानी रेशम जैसी पंखों वाली नीली पीली रंगों वाली रंग बिरंगी तितलियां, ठीक है। फूल फूल को देखा करती इसकी नदी आती, आप देखते हैं कि वह जो है तितलियां जो होती हैं फूल 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 को देखा करती, जैसे ही फूल को देखती हैं क्या करती है, उसकी नदी आती जो है हमेशा फूल को किसी न किसी फूल को जो है ढूंढती रहती है, देखती रहती है, ठीक है। फूल फूल को देखा करती इनकी नदी आती, उनकी छोटी आंखें जो होती हैं फूलों को जो है देखती रहती है। तो अगला है सुनते ही छूते ही फूल से उड़ जाती, फिर यह हाथ न आती, ठीक है। और अब जब आप उसे पकड़ने के लिए जाते हैं और जैसे ही आप छूते हैं उसे, जैसे ही आप टच करते हैं पकड़ने के लिए छूते हैं, वह जल्दी से जल्दी से जो है क्या होती है उड़ जाती है, वह जल्दी से उड़ जाती है उसका, जैसे ही आप छूने के लिए जाते हैं वो जल्दी से फूल हो जाती है, फूल से उड़ जाती है, जल्दी से उड़ जाती है, फिर यह हाथ न आती और उसके बाद यह हाथ में उठ के वापस नहीं आती है, तितलियाँ की बात कर रहा है, ठीक है। तितलियों को जब आप पकड़ने के लिए जाते हैं तो फूल से जल्दी से उड़ जाती है और आपके हाथ जो है नहीं आती है, फिर आपके हाथ नहीं आती है, पर उसकी ही अच्छी लगती फूल फूल पर जाती है, और क्या कर रहा है पर उड़ती ही अच्छी लगती, और जब वह उड़ती है तब जो है तब ही वह अच्छी लगती है, आपको पकड़ लेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। पर उड़ती ही अच्छी लगती है, वह करीब पर उड़ती ही अच्छी लगती है, वह जब उड़ती है तब ही जो है वह अच्छी लगती है और फूल फूल पर जाती है, और फूल फूल पर जो है उड़ते उड़ते हुए इस फूल से उस फूल पर, उस फूल से उस फूल पर वह उड़ते हुए जाती है और वह अच्छी लगती है, ठीक है बेटा। तो यह पाठ जो है इसके लेखक है दिया गया है, ठीक है, और इसको जो है हमने आपको बता दिया प्रस्तावना में तितलियां बहुत ही सुंदर लगती है, तितलियों के बारे में उसका वर्णन किया गया है कि वो कैसे उड़ जाती है, कैसे दिखती है और फूल फूल पर किस प्रकार उठती है बैठती है, ये आपको बताया गया है, और फूलों की शोभा भी तितलियों से ही होती है, इसमें आपको ये बताया गया है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम चलेंगे आगे इससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न, इससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न आपका पहला है सही विकल्प पर नेगेटिव लगाइए, अभ्यास के प्रश्न वाला सही विकल्प और सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ये आपका अभ्यास के प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, इसमें प है तितली कैसी होती है, और दिया है तितली कैसी होती है,
तितली कैसी होती है? और है आपका काली विकल्प कौन सा है? काली इतनी कैसी होती है? विकल्प अ है आपका काली, ब है आपका सफेद, रंग बिरंगी, रंग बिरंगी तो बेटा आपको पता है तितली कैसी होती है? काली होती है, सफेद होती है, या ऑप्शन स रंग बिरंगी होती है। आपको पता है तितली जो है कैसी होती है? रंग रंगीली या रंग बिरंगी, कई रंगों वाली, रंग रंगी मतलब कई रंगों वाली या रंग बिरंगी मतलब कई रंगों वाली कलर। याद है आपका विकल्प स रंग बिरंगी आपका सही विकल्प होगा, विकल्प स रंग बिरंगी आपका सही विकल्प है, सही आंसर होगा। आगे आपका ख दिया है, तितली के रेशम जैसे क्या है? तितली के रेशम रेशम जैसे क्या है? तो आपने बेटा पढ़ा है कि रंग रंगीली नीली पीली रेशम जैसी पाखे, रेशम जैसी, रेशम जैसी क्या है? पाखे है, और पाखे में क्या है? पंख। ठीक है, आपने क्या दिया है? पंख। ऑप्शन सौ है वो, ऑप्शन सौ भी आसान है। तितली के रेशम जैसे क्या है? पंख है, पैर है, या मुंह है? तो आप बेटा क्या कहेंगे कि तितली के रेशम जैसे क्या है? पंख होते हैं, रेशम जैसे पाखे, पाखे मीन पंख। तो आपका विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, और वो है आपका गो है कि तितली फूल से कब उड़ जाती है?
तितली फूल से कब उड़ जाती है। ठीक बेटा, तितली फूल से जल्दी से जल्दी तितली फूल से कब उड़ जाती है, तो इसमें आपका विकल्प अ है, और आपका है तुमसे, विकल्प अ है आपका छूते ही, ब है पकड़ते ही, पकड़ते ही पकड़ते ही उसके बाद ठीक है बेटा, याद रखिएगा आपका क्या है, उसने कब उड़ जाती है, तो यहाँ का और उसके ही वो आपका याद करते ही, और आपका ऑप्शन सौ दिया है फूल पर बैठते ही, आपका ऑप्शन सौ है फूल पर, फूल पर बैठते ही, बैठते ठीक है। ये आपके तीन ऑप्शन दिए बेटा, इसमें आपसे तितली फूल से कब उड़ जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे पढ़े आप पोएम कविता में कि छूते ही फूल से उड़ जाती है, ठीक है बच्चों, आपने क्या पढ़ा कि छूते ही फूल से उड़ जाती है, फिर जो हाथ न आती, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, छूते ही तितली फूल से कब उड़ जाती है, छूते ही ऑप्शन जो आपका क है विकल्प क, छूते ही फूल से उड़ जाती, यह आपका सही उत्तर होगा, विकल्प क जो है आपका सही उत्तर होगा, छूते ही, ठीक है। इतनी फूल से कब उड़ जाती है, तो हम कहेंगे छूते ही, ऑप्शन क जो है आपका विकल्प क, यह आपका सही उत्तर होगा, छूते ही, ठीक है। इसका बेटा यह अभ्यास के प्रश्न का जो है यह सही उत्तर पर सही चीज रहिएगा, और इसके बाद आपका इसी में प्रश्न नंबर दो दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसको जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।